करके 10 भाग में बांट दो और उसका एक भाग ही किसी पेशेंट को दो, और अगर बिलीव नहीं है तो होम्योपैथिक करना छोड़ दो। बिलीव नहीं होम्योपैथिक करना छोड़ दो, नहीं होगा। एक बच्ची मेरे यहाँ फाइनल ईयर में पढ़ती थी, मेरी आदत है सीसी में आज तक कभी दवा नहीं, मैं रोज महीने वाले खाऊंगा जो भी रोज देना है। उसने कहा कि सर आप जो बोझ बनाते हैं तो किसी में ज्यादा बोली रहता है, किसी में कम बोली रहता है। हमने कहा तुम एक बात मानोगे, मेरे ऊपर विश्वास करो और साइंस के ऊपर विश्वास करो, मैं जितना भी गोली देता हूँ सब गोली को फेंक देना, सिर्फ एक गोली निकाल के खाना, क्योंकि एक गोली मैं दे नहीं सकता। जब भी देगा तो 10 गोली तो चला ही जाएगा उसको बोझ बनाने में। एक गोली खाना बाकी को फेंक देना, मेरे ऊपर विश्वास है, क्योंकि एक गोली का भी वही क्रिया होगा जो 10 प्रोटीन्स का काम होगा। ऐसा नहीं हम ज्यादा खिला देंगे तो ज्यादा क्रिया होगा, जल्दी क्रिया होगा, नहीं। तो जितना मिनिमम से मिनिमम हम मेडिसिन को मिनिमम, क्यों? क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन हो रहा है पोटेंसी गलत हो सकता है, जब गलत पोटेंसी हो जाएगा तो उसका एग्रावेशन भी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम मिनिमम से मिनिमम देने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्या है कार्डिनल प्रिंसिपल, लॉ ऑफ सिमिलर, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, तीन चीज को ध्यान रखिएगा तब होम्योपैथिक जिंदा रहेगा, अन्यथा होम्योपैथिक भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। बी गए होम्योपैथ मैं कह रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा होम्योपैथिक से बहुत लगाव होम्योपैथ से है, भविष्य का चिंता मैं सब लोग कहता हूं, आने वाला फ्यूचर जो कि स्टूडेंट मेरे आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं वो उसके ऊपर रहेगा, क्योंकि हम तो लोग तो रहेंगे नहीं, बाकी क्या होगा कौन जानता है। ये क्या है, ये कहा गया है कि ये जो केस टेकिंग कहते हैं तो क्या है, कहता है कि होम्योपैथी जो साइंस है वर्षों ये आर्ट, होम्योपैथिक साइंस ही नहीं है एक आर्ट है। आर्ट क्या है कि एक कलाकार को कभी ना आप देखा होगा, पर आप टीवी देखते हो तो देखते होंगे, जो ही टीवी पर कोई नक्शा बनाते बनाते जब गोल चाबी गोल ये चश्मा जो बनता है तो हम लोग दूर से कहते हैं कि लगता है गांधी जी का फोटो बनने वाला। जो ही बनाते बनाते अगर कोट पहना हुआ है यहां पर अगर ये गुलाब का फूल लगा दिया जाए तो हम लोग कहते हैं कि जवाहरलाल का फेस बनने वाला है, क्योंकि जवाहरलाल का फेस हमारे दिमाग के अंदर बसा हुआ है, गांधी जी का फेस हमारे दिमाग के अंदर बसा हुआ है। उसी तरह से जब तक मटेरियल मेडिका के अंदर मेडिसिन का फेस आपके ऊपर नहीं बसा रहेगा तब तक आप किसी मेडिसिन को सही ढंग से प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। अब हम बताते हैं आपको ये क्या है, हम होम्योपैथ भी एक कलाकार हैं। हम मूर्ति कैसे बनाते हैं, हम जो सिम्टम्स कलेक्ट करते हैं, जैसे कलाकार बहुत सी रेखाएं खींच कर करके मूर्ति को बनाता है, उसी तरह से हम सिम्टम्स को लेकर के एक मूर्ति बनाते हैं, और वो मूर्ति जब हम बनाते जाते हैं तो माइंड करिएगा हमको रिपोर्टिंग रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको नतीजा मिलेगा तो ऊपर अच्छा कमांड है तो रिपोर्टी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देखिएगा कि मेरा प्रिस्क्रिप्शन किस तरफ जा रहा है, ये नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है कि पोस्टिकन की तरफ जा रहा है कि किस वजह से की तरफ, वो खुद डाटा बनाते बनाते बता देगा आपको किस तरफ जा रहा। एक छोटी सी फिर कहानी सुनाता हूँ, मैं एग्जाम्पल इसे देता हूँ, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं पेशेंट देख रहा ज्वाइंट पेन का पेशेंट था, तो ज्वाइंट पेशेंट के पेशेंट पे सारा हिस्ट्री मेरी आ गई, देहात की पेशेंट होती बहुत कम बता पाती है, बहुत कुछ बोलने में हिचकिचा जाती है, तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन जो जा रहा था जिस मेडिसिन की तरह ऑर्गेनल के अंदर कहा लिखा गया है नेवर आस्क द लीडिंग क्वेश्चन, किसी पेशेंट के साथ लीडिंग क्वेश्चन नहीं करते, मगर बीइंग ए होम्योपैथ अगर कंफर्म होना चाहते हैं किसी मेडिसिन की तरह तो वहां पर आपको लीडिंग क्वेश्चन करने में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं। हमने उस लेडी से पूछा अच्छा बताओ कोई सपना देखती हो, तो बोला कि सपना हम बेटा तुम एक बताओ तुम ऐसा सपना देखती हो कि आकाश में उड़ रहे हैं और उड़ते उड़ते हम जमीन पर गिर गए। उसने लड़ी ने बहुत अच्छा जवाब हमको दिया, अच्छा बताइए सर सपना हम देखेंगे तो आप कैसे बताएंगे, और सही बात है उसका सपना वो देखेंगे तो हम कैसे बताएंगे, उसका कारण वो नहीं था। हमने कहा कि हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जिस मेडिसिन को हम प्रिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं उसमें इस तरह का होना चाहिए, और कुछ नहीं पूछना चाहिए, क्या ऐसा सपना तो देखना चाहिए मेरा प्रिस्क्रिप्शन पूजा की तरफ चला, हमने पूजा को प्रिस्क्रिप्शन कर दिया। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछे कंफर्मेशन के लिए, एक होम्योपैथ डॉक्टर देखिए बुक खोलना पर खराब नहीं होता है, आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं तो कभी नहीं सोचिए कंप्लीट।